आवाम महंगी बिजली के बाद अब महंगी गैस के लिए भी हो जाएं तैयार। हुकूमत ने गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। ओगरा ने गैस के बुनियादी टैरिफ में 45% तक इजाफे की सिफारिश कर रखी है। आपको बताएं कि हुकूमत ने गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। ओगरा ने गैस के बुनियादी टैरिफ में 45% तक इजाफे की सिफारिश कर रखी है। इसी पर बात करेंगे, अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, जो गैस के बुनियादी टैरिफ में 45% तक जो है वो ऑलरेडी जो है वो इजाफे की सिफारिश की है ओगरा ने, और उसकी मंजूरी के लिए जो है वो काबीना में जो है ये मामला पेश किया जाएगा। और सर्दियां आते ही अब आवाम को जो है महंगी बिजली के बाद ये जो है वो रकम अदा करनी होगी। और साथ ही साथ हुकूमत ने दिसंबर में एलएनजी सप्लाई के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं, और एलएनजी लिमिटेड ने जो टेंडर आलमी कंपनियों से जो है वो तलब की हैं, और इसमें 7 से 8 दिसंबर और 13 से 14 दिसंबर की डिलीवरी के लिए दरख्वास्तें जो है वो मांगी गई हैं। दरख्वास्तें 4 अक्टूबर तक मौसूल होंगी और इस दिन खोली जाएंगी। ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल की नस्बत इस दफ़ा जो आलमी मार्केट में जो गैस की जो प्राइसेज हैं वो कम हैं, और अगर हम पहले बहुत बर वक्त अगर इस पर इकदाम अगर पाकिस्तान हुकूमत ने ले लिए और कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर जो गैस शॉर्टफॉल है विंटर में उसको ओवर कम करने में बड़ी हद तक जो है मदद मिलेगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का वेट किया जा रहा है, और काबीना डिवीजन ने जो ओगरा की जो सिफारिश करता जो 45% तक इजाफे की जो समरी है वो काबीना में पेश की जाएगी मंजूरी के लिए। अगर उसकी मंजूरी दे दी जाती है तो फिर आवाम को मजीद जो गैस की कीमतें जो है इजाफे गैस की कीमतें जो है वो अदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस क्यानी आपका।